हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ मेकअप लुक वेयरिंग फंक्शन के लिए तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है डॉटन की का मॉइस्चराइजर यानी ये मॉइस्चराइजर मेरे फेस पे बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड डॉटन की का स्किन केयर प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा होता है तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है एक डार्क शेड कंसीलर ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एक पैलेट जिसमें आप लोग को मिलेंगे बहुत सारे सेट्स फिर मैंने लिया है मेकअप फाउंडेशन एंड ये एक हाईली कवरेज फाउंडेशन है तो बहुत कम ही अमाउंट में मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ एंड अगर आप लोग का को कोई भी डार्क स्पॉट है तो ये कवर कर लेगा और फिर उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसको अप्लाई किया है फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर के हेल्प से फिर मैंने यूज़ किया है नायका का कम्पैक्ट पाउडर एंड ये कम्पैक्ट पाउडर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है ये आप लोग का एक मेट लुक देता है अगर आप लोग का स्किन ऑयली है तो ये और भी अच्छे से वर्क करेगा फिर उसके बाद मैंने लिया है पैक का ये जेल आईब्रो आईब्रो जेल जिसको मैंने आईब्रोज फिल किया है और उसके बाद थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया है एक ब्रश की हेल्प से ताकि आईब्रो के एक अच्छा सेप मिल जाए क्योंकि मेरा आईब्रोज बहुत ही कम है हेयर बिल्कुल भी है ही नहीं तो थोड़ा मैंने आ, कुछ ज़्यादा ही अप्लाई किया है आईब्रो जेल फिर उसके बाद मैंने लिया है ये ट्रायो पैलेट जो है पैक कस्मेटिक का एंड इसमें आप लोग को मिलेंगे ब्राउजर हाइलाइटर एंड ब्लश तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस को ब्राउच कर रही हूँ एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ये ब्लश एंड ये ब्लश जो है बहुत ही नेचुरल एक लुक देता है ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई कर लिया है तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज वाला ब्लश बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर मैंने लिया है निकाके का आई पैलेट और इनमें से लिया है मैंने ये शेड और एक ब्रश की हब से मैंने अपने क्रीज पे अप्लाई किया है और क्रीज पे अप्लाई करके थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है फिर मैंने लिया है ये शिमर शेड और सीमर के शेड को मैंने थोड़ा सा लाइनर की तरह ड्रॉ किया है फिर इनर कॉर्नर ऑफ द आई पे भी मैंने थोड़ा सीमर अप्लाई कर लिया है फिर कोई भी आईलश मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगी तो यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा के लिए मैंने मेबिलिन का मस्कारा यूज़ किया है फिर मैंने अप्लाई किया है पे हाइलाइटर हाईलाइटर वही पैक का हाई लाइटर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है फिर उसके बाद मैंने लिया है मार्स कॉस्मेटिक्स का एक लिपस्टिक जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इस लुक के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था तो मैंने उसके ऊपर ही अप्लाई किया है का लिपस्टिक थोड़ा सा पिंक शेड में है तो यहाँ पे मेरा मेकअप होता है कंप्लीट तो आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय